चलो अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब अगर मैं कोई एक मेटालिक सरफेस है, क्या है मेटालिक सरफेस, उस मेटालिक सरफेस पे मैं अगर फोटोन को इंसिडेंट करता हूं, फोटोन को मैं इस मेटालिक सरफेस पे इंसिडेंट करता हूं तो कुछ ऐसी प्रोसीजर होती है मेटालिक सरफेस में से कि मेटालिक सरफेस में से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। हा? तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करने के लिए बहुत सारी मेथड है, उसमें से ये जो एक मेथड है उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू ऑब्टेन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैटर, डिफरेंट मेथड्स टू ऑब्टेन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैटर। हाँ, पहली मेथड है, एक तो एक मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, दूसरी एक मेथड है थर्मियोनिक एमिशन। कौन सा एमिशन है ये, थर्मियोनिक एमिशन। सी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बात पे आएंगे, पहले मैं ये डिफरेंट मेथड्स टू ऑब्टेन, दो मार्क में पूछी जाने वाली थियरी, दो मार्क में ये थियरी पूछी जाती है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है उसका मेटल में से एमिशन कैसे होता है। तो पहली मेथड है थर्मियोनिक एमिशन। तो जब मेटल को हीट किया जाता है, मेटल्स आर हीटेड, मेटल को जब हीट किया जाता है देन इलेक्ट्रॉन्स विच आर बाउंडेड टू द मेटल्स गेट सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कम आउट फ्रॉम द मेटल। इलेक्ट्रॉन्स विच आर बाउंडेड टू द मेटल्स गेट सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। हा, कब, जब मेटल को मैं क्या करता हूं, हीट प्रोवाइड करता हूं। तो मेटल्स आर हीटेड, मेटल्स को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स विच आर बाउंडेड टू द मेटल्स गेट सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कम आउट फ्रॉम द मेटल। और जब ये मेटल में से बाहर निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द मेटल, सच एमिशन इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स escape from the metals due to sufficient amount of thermal energy which is in the form of heat, which is in the form of heat. This type of emission is known as thermionic emission. Thermionic emission. हाँ, जब कोई भी मेटल को पूरी हीट प्रोवाइड, मतलब सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तब उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन।
हाँ, इसका अगर आप एग्जांपल देखने जाओ तो आपको 14th चैप्टर में हम बोलेंगे डायोड पुरातन जमाने में ट्रायोड यूज होते थे। टीवी की जो ट्यूब है, टीवी ट्यूब, सी टीवी की ट्यूब आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे फिलामेंट होता है, ये आपको सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट को हाई वोल्टेज दिया जाता है मतलब गर्म किया जाता है। आपको पता है कि हाई करंट पास करेंगे, हाई करंट पास करेंगे तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इक्वेशन के मुताबिक, कौन से इक्वेशन के मुताबिक, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इक्वेशन के मुताबिक, करंट हाई हुआ तो हीट एनर्जी भी बढ़ी, हीट एनर्जी बढ़ी तो ये जो फिलामेंट है जो प्योर मेटल है, ये जो फिलामेंट है जो प्योर मेटल है, उस फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन्स कहां पे निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है, एक वर्टिकल प्लेट होती है, बाद में आपकी टीवी की स्क्रीन आती है। क्या आती है? टीवी स्क्रीन। पहले के जमाने के जो टीवी थे, याद हो तो अभी भी किसी के पास ऐसे टीवी होंगे जिसके अंदर टीवी का पीछे का बक्सा खोलोगे तो उसके अंदर ऐसी एक ट्यूब दिखाई देगी जिसको सीआरटी ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? सीआरटी। या तो कोई पुराने टीवी वाले के पास जाना, वो बोलेंगे कि आपको सीआरटी टीवी चाहिए कि प्लाज्मा टीवी चाहिए कि फ्लैट टीवी चाहिए कि एलईडी टीवी चाहिए। कौन कौन से टीवी बोलते हैं, कौन कौन से टीवी बोलते हैं? आपको सीआरटी टीवी चाहिए, आपको प्लाज्मा टीवी चाहिए, या तो आपको फ्लैट टीवी चाहिए या फिर आपको एलईडी टीवी चाहिए। अभी नए नए टीवी आए उसको क्या बोलते हैं? ओलेड टीवी। आप शायद एड देखते होंगे टीवी के अंदर, मतलब कुछ एड्स ऐसी आती जिसमें ओएलईडी, ओएलईडी टीवी, एलईडी टीवी। एलईडी मतलब क्या? लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो डायोड होते हैं वो आपको 14 चैप्टर में आएंगे कि डायोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है तो वो थर्मियोनिक एमिशन होता है। फिर ओएलईडी मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अभी अभी जो एड्स आती है इसमें, उसमें ओ एलईडी नहीं बोलते, उसमें ओ लेड बोलते हैं। देखना कभी शायद आपने देखा हो तो ओ एलईडी मतलब ओ लेड, एलईडी, फ्लैट टीवी, सीआरटी, प्लाज्मा। ये जो सीआरटी टीवी है वो ऐसे होते थे जिसके अंदर फिलामेंट को हाई पोटेंशियल देके गर्म किया जाता था और वो गर्म होता था, प्योर मेटल है, गर्म होता था तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे। इस इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट से ऐसे 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 डिफ्लेक्शन करवा के स्क्रीन पे उसको इंसिडेंट किया जाता था। और ये स्क्रीन कौन सी स्क्रीन होती थी? फ्लूरोसेंट स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन होती थी? ये फ्लूरोसेंट स्क्रीन। और ये फ्लूरोसेंट स्क्रीन जो है, हाँ, ये जो फ्लूरोसेंट स्क्रीन है उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन गिरते थे तब यहाँ पे ब्राइट स्पॉट क्रिएट करते थे। क्या क्रिएट करते थे? यहाँ पे ब्राइट स्पॉट। और ये जो ब्राइट स्पॉट है वो मतलब लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट क्लियर इसके ऊपर क्रिएट होते थे और तब जाके आपको स्क्रीन पे कुछ इमेज दिखाई देती थी। ये पुराने सीआरटी टीवी है। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है सीआरटी का मतलब? क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। बोलो समझ में आया? तो ये कौन सा एमिशन था? थर्मियोनिक एमिशन। कौन सा? थर्मियोनिक एमिशन। ओके, ये थर्मियोनिक एमिशन हो जाने के बाद हम दूसरा करेंगे जिसका नाम है फील्ड एमिशन। एक थर्मियोनिक एमिशन है जिसके अंदर हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते थे, जिसके अंदर हम गर्म करते थे मेटल को। दूसरा जो है उसको हम क्या बोलेंगे? फील्ड एमिशन। तो तीसरा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो तीन प्रकार के एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल के लिए तीन मेथड है। एक कौन सी मेथड है? थर्मियोनिक एमिशन। दूसरी कौन सी मेथड है? फील्ड एमिशन। और तीसरी कौन सी मेथड है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये हमने पहला प्रकार देखा जिसमें हमने देखा थर्मियोनिक एमिशन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाद आता है, उसके बाद आता है दूसरा एमिशन जिसको हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। थियोरेटिकल पोर्शन है ये। थर्मियोनिक एमिशन और फील्ड एमिशन के लिए आपको कोई भी प्रकार के
इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फील्ड एमिशन। चलो यहां पे देखो, फील्ड मतलब कौन सा, तो फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम मेटल को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, हाँ, व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज सब्जेक्टेड टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हाई मतलब कितना है, तो बोलते हैं 10^12 वोल्ट पर मीटर जितना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना 10^8 वोल्ट पर मीटर जितना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या है, E = V/d। कितना बोला 10^8 वोल्ट पर मीटर, मतलब कि अगर मैं 1 मीटर की मेटालिक सरफेस ले लू, कितने मीटर की, 1 मीटर की अगर मैं मेटालिक सरफेस ले लू तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल, 1 मीटर की अगर मैं मेटालिक सरफेस ले लू तो 1 मीटर के अंदर 10^8 वोल्ट, 10^8 वोल्ट मतलब आप समझ सकते हो 10^8 मतलब 100 × 10^6। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 100,000 × 10^5, बराबर है 10^5 मतलब 10^5 मतलब 1 लाख, मतलब मैं ऐसा बोलता हूं 1000 लाख पर मीटर, 1000 लाख वोल्ट पर मीटर। अगर मैं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोवाइड करता हूं, तब ये जो मेटालिक सरफेस है, अच्छा एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, कि मैं यहां पे मेटालिक सरफेस का ही नाम ले रहा हूं। क्यों मेटालिक सरफेस का ही नाम ले रहा हूं, क्यों नॉन मेटल यहां पे नहीं चलेगा? सी हम लोग कोई सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? बोलो, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मेटालिक को और नॉन मेटालिक में, डिफरेंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक में होते हैं वो क्या होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री होते हैं, हाँ कि ना? और जो नॉन मेटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं। तो जैसे कि आपने सोडियम ले लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, तो इसमें 1s2 2s2 2p6 3s1, आई थिंक यही उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2s2p3s। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इट इज फ्री, फ्री इन द सेंस वो न्यूक्लियस के साथ, उसका न्यूक्लियस के साथ क्या क्लोज बॉन्डिंग होगा? ना, उसका न्यूक्लियस के साथ लूज बॉन्डिंग होगा। हाँ, तो इस ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो ये सोडियम है, ये उसका न्यूक्लियस है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद वाली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो बाहर वाली ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ इतना बॉन्डिंग में नहीं है, मतलब बॉन्डिंग में है लेकिन इतना ज्यादा बॉन्डिंग में नहीं है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे सोडियम मेटल में से बाहर निकालना है तो मुझे कम एनर्जी चाहिए, और इसीलिए मेटालिक सरफेस जितनी भी होती है, उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है कैन कम आउट बाय सप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। ओके, तो यहां पे पहले मैंने किसका यूज किया, हीट एनर्जी का यूज किया, अब मैं किसका यूज करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करता हूं। मैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई मतलब कितना, ये 1 मार्क के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि 10^8 वोल्ट पर मीटर, कितना 10^8 वोल्ट पर मीटर जितना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोवाइड करता हूं तो इस मेटालिक सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और इस
इस प्रकार के एमिशन को हम कौन सा एमिशन बोलते हैं? फील्ड एमिशन। कौन सा एमिशन बोलते हैं हम इसको? फील्ड एमिशन। तो ये दूसरे प्रकार का एमिशन हो गया फील्ड एमिशन। उसमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोवाइड करना है, 10^8 वोल्ट पर मीटर। कितना प्रोवाइड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड? 10^8 वोल्ट पर मीटर। क्लियर? तो ये दूसरा हो गया फील्ड एमिशन। अब तीसरी और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। देखो ध्यान, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब क्या? पहले में मैंने किसका यूज किया? हीट एनर्जी का। दूसरे में मैंने किसका यूज किया? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तीसरे में मैं जो यूज करता हूं उसमें मैं फोटोन को यूज करता हूं। फोटोन मतलब क्या? फोटोन मतलब क्वांटा ऑफ एनर्जी। फोटोन मतलब क्वांटा ऑफ एनर्जी। फोटोन मतलब क्वांटा ऑफ एनर्जी। ये जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है मतलब इन द सेंस ऑफ पार्टिकल भी हम बोल सकते हैं। तो ये जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है फोटोन, फोटोन की एनर्जी का इक्वेशन क्या है? E=NHF, या तो E=, क्या होता है? NhC/लैम्डा। क्यों C/लैम्डा हुआ? क्योंकि आपको पता है कि C=F λ, तो F=, क्या होता है? C/λ। तो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतना बंडल मैं अगर सरफेस पे, मेटालिक सरफेस पे मैं इंसिडेंट करता हूं, तो ये सरफेस पे रहते हुए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से कुछ एनर्जी लेके, कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके क्या होगी? रिलीज होगे। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको इक्वेशन वाइज समझना है तो कैसे समझे, ध्यान से देखो। तो पहले एक डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं, उस डेफिनेशन को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन। ओके, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले किसने सर ढूंढी थी? हर्ट्ज ने। किसने ढूंढी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हर्ट्ज ने। और यहाँ पे हमको वर्क फंक्शन नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। वर्क फंक्शन मतलब क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या है वर्क फंक्शन मतलब? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, इज नोन एज वर्क फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम phi नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लिखेंगे HF0, जिसको हम लिखेंगे HC/λ0, वेर F0 इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये इसकी डेफिनेशन ये है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या आता है उसके बाद? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब क्या है? याद रखो, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो ये वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस।
मोस्ट एम्पी इक्वेशन फाई नॉट इज इक्वल टू एच एफ नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। जब ये मेटालिक सरफेस है, इस मेटालिक सरफेस में इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी से, कुछ बॉन्डिंग से, इस मेटालिक सरफेस में इलेक्ट्रॉन कुछ बॉन्डिंग से इस मेटालिक सरफेस के साथ जुड़े हुए होंगे। अब इसको बाहर निकालना है तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उसके ऊपर डालनी पड़ेगी, तो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वर्क फंक्शन। अब ऐसा मान लो कि इस मेटालिक सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 5 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 5 जूल, और मैंने उसको एक्सटर्नल प्रोवाइड की 7 जूल। क्या प्रोवाइड की मैंने उसको, 7 जूल एनर्जी प्रोवाइड की। तो दिस एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब एच सी बाई लैम्डा या तो एच एफ। तो मैंने उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड की, मैंने उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड की, एच एफ जितनी एनर्जी प्रोवाइड की, कितनी एच एफ जितनी एनर्जी मैंने उसको प्रोवाइड की, किसको, मेटालिक सरफेस को या तो इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को मैंने एच एफ एनर्जी प्रोवाइड की, लेकिन उसको बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एच एफ जीरो। तो जब मैं एच एफ में से एच एफ जीरो बाहर माइनस करूंगा, समझ ध्यान से, मैंने 7 जूल एनर्जी प्रोवाइड की और उसको कितना जूल चाहिए, 5 जूल। मैंने 7 जूल एनर्जी प्रोवाइड की और उसको कितना जूल चाहिए, 5 जूल। तो उसको बची कितनी जूल, 2 जूल एनर्जी बची। अब ये 2 जूल एनर्जी लेके वो बाहर निकलेगा तो ये 2 जूल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एच एफ माइनस एच एफ जीरो इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। क्या ये समझ में आया, रियलिटी में ये क्या है, वर्क फंक्शन है। ये एच एफ नॉट क्या है, वर्क फंक्शन। ये क्या है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। ये क्या है, वर्क फंक्शन। क्या है ये, वर्क फंक्शन। और ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ, उसको चाहिए था कितना, एच एफ नॉट जितना। कितना चाहिए था उसको, एच एफ नॉट जितना। मैंने उसको कितना प्रोवाइड किया, एच एफ जितना। तो उसका जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस, ऑलवेज एच एफ मस्ट बी ग्रेटर देन एच एफ नॉट, एच एफ मस्ट बी ग्रेटर देन एच एफ नॉट। तो जो डिफरेंस आया उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन कहां पे निकलेगा, बाहर निकलेगा। एंड दैट इज नथिंग बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखो, यही इक्वेशन को मैं अलग अलग फॉर्मेट दूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच, एफ की जगह पे मैं सी बाय लैम्डा लिख सकता हूं, और यहां पे एफ नोट की जगह पे सी बाय लैम्डा नोट। बोलो मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो वन हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट तो है ही, साथ में वन हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट तो है ही, साथ में वन हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव नॉट भी है, और साथ में दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको ईवी नॉट बोलते हैं। इसको हम लिखेंगे एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव नॉट, वेर वी नॉट इज नोन एज स्टोपिंग पोटेंशियल। ये हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके अंदर ये इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। क्या है, वी नॉट इज नथिंग बट स्टॉपिंग पोटेंशियल। बस इतने इक्वेशन आपको पता हो तो एक्सरसाइज के बाकी के जितने भी न्यूमेरिकल है वो इसके ऊपर से खत्म हो जाए। समझ में आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी से। इसकी बहुत सारी थियरी मैं करवाऊंगा, अभी मैं आपको एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं डायरेक्टली।